दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक से। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में एक प्रॉमिस करा था कि स्टोहेस्टिक के ऊपर इंट्राडे कैसे करेंगे, इंट्राडे किस तरीके से यूज़ करें कि हमें एक मुनाफे के साथ हम बाहर आए, तो जिस किसी ने भी स्टोहेस्टिक के बारे में नहीं जानते हैं, स्टोहेस्टिक नहीं पता कि भाई कैसे काम करता है, कैसा इंडिकेटर है, तो उसका मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। आप उस पर जाकर के हमारा स्टोहेस्टिक इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है, आप उसको देख सकते हैं। और जो जानते हैं वो डायरेक्ट इस स्ट्रेटजी को देखें, मज़ा आएगा। आप इसके साथ काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करिए, रियलिटी में आपको मज़ा आएगा। चलिए चलते हैं हम अपने चार्ट पे और देखते हैं भाई क्या है स्टोहेस्टिक और कैसे ये काम करेगा अगर इंट्राडे हमें करना हो। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा ये चार्ट ओपन हो गया है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। एक सवाल मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि जी स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो मैंने बड़ा सिंपल सा आपको एक आंसर पहले भी बता चुका हूँ। स्टॉक सिलेक्शन आपको वॉलेटिलिटी के आधार पर करना है। एक तो स्टॉक अच्छा हो, दूसरा वॉलेटिलिटी हो। निफ्टी 50 के जो 50 या 51 शेयर्स है, आप उसके अंदर से हाई वॉलेटिलिटी के कुछ स्टॉक्स छान लीजिए। जिस स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है उस स्ट्रेटेजी को उन पे लगा करके देख लीजिए। जो स्टॉक उस स्ट्रेटेजी पे आपके लिए कंफर्टेबली वर्क कर रहा हो और अच्छे से काम कर रहा हो, आप उस पर ट्रेड कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उस पर कंटिन्यूसली आप उस पर ट्रेड करिए, इंट्राडे करिए। तो यही तरीका है। बाकी वॉलेटिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दे दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि वॉलेटिलिटी कैसे चेक करें और किस वॉलेटिलिटी के स्टॉक पे हमें इंट्राडे करना है या शॉर्ट टर्म करना है। चलिए ठीक है, स्टोहेस्टिक को जानते हैं भाई। स्टोहेस्टिक क्या है? जिसने स्टोहेस्टिक की वाली पहली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ उसका, तो उसको पहले देख लीजिएगा। इसको आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, और जिसको देख रखा है जिन्होंने तो वो डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, 30 मिनट की कैंडल लेनी है। इंट्राडे के अंदर आप 30 मिनट की कैंडल का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से ये काम करेगा। दूसरी चीज़, मेरा एक लॉजिक ये होता है कि भाई काम करने से पहले मैं ट्रेंड को पहचानता हूँ, स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो ट्रेंड को पहचानने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है। आपको 200 की लाइन लेनी है, वाइट कलर में ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको डिस्प्ले हो जाए। व्हाइट कलर की आपको लाइन दिख रही है, अगर स्टॉक इससे ऊपर चल रहा है तो अप ट्रेंड में, इससे नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में। अगर आप बाइंग करेंगे इंट्राडे में तो इस लाइन से ऊपर स्टॉक होगा तो ही करेंगे, इस लाइन से नीचे होगा तो शॉर्ट सेलिंग ही आप करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम स्टोहेस्टिक लगा लेते हैं। स्टोहेस्टिक का पीरियड आपको 10 कर लेना है, इसका डिफॉल्ट 14 था, हमने 10 कर लिया है। चलिए ठीक है, ये लाइन दिख रही है आपको। अब इसके दो चीज़ आप देखिए, व्हाइट वाली लाइन जब भी रेड वाली लाइन से ऊपर जाती है तो स्टॉक बढ़ता है, और व्हाइट वाली लाइन जब भी रेड वाली लाइन से नीचे जाती है तो स्टॉक डाउन होता है, जो मैंने आपको पहले स्टोहेस्टिक की वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हमें बाइंग कब करना है, हमें बाइंग तब करना है जब ये क्रॉसओवर हमारा 40 पीरियड से नीचे हो। ये आप देख रहे हैं 40 लिखा हुआ है, इससे नीचे क्रॉसओवर देगी जब लाइन, यानी रेड लाइन या वाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस इससे नीचे करेगी तो आपको बाय करना है। और शॉर्ट सेलिंग भी आपको सिंपल है, 60 से ऊपर जब नीचे की तरफ देगी तो करना है। बाकी मैं आपको बाइंग ही बताऊंगा, शॉर्ट सेलिंग नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्रॉस ओवर दे तो रही है, हमारा स्टॉक भी अब ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि 200 लाइन के ऊपर चल रहा है, तो हमें बाय नहीं करना। हमें बाय तभी करना है जब ये 40 से नीचे क्रॉस ओवर आएगा। 40 से नीचे क्रॉसओवर, देखिए ये क्रॉसओवर आया तो है लेकिन 40 से नीचे नहीं है, ये क्रॉसओवर भी आया, ये भी 40 से नीचे नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास क्रॉसओवर आया है, ये देखिए इसका हाई है 5152.45। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा हाई पे खरीदते हैं, तो इसका हाई ही ब्रेक नहीं हुआ, पूरे दिन में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमने परचेजिंग नहीं करी। 5 पैसा जहाँ से आप खरीदेंगे 5 पैसा ऊपर खरीदेंगे, जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसके लो के 5 पैसा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो आज हम बाय ही नहीं कर पाए क्योंकि उससे ऊपर गया ही नहीं, 1522.45 से ऊपर गया ही नहीं स्टॉक। चलिए ठीक है, यहाँ एक क्रॉस ओवर मिला भाई, ये भी इसका हाई नहीं टूटा, यहाँ तक भी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ,
यहाँ भी एक क्रॉसओवर हुआ था, इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हमें जी मिला ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर आज 5 अप्रैल को हमें ट्रेड मिला है। अब इसने इसका हाई ब्रेक कराया 150.85, लो है इसका 149, यानी हमें तकरीबन 3.5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए अगर हम काम कर रहे हैं तो। देखते हैं 3.5 रुपये का प्रॉफिट हमें मिलता है या नहीं मिलता है। 3 बजे तक देखेंगे लास्ट, 3 बजे तक जो भी प्राइस हो उससे निकल कर बाहर आ जाइएगा। 3 बजे तक इसका हाई था 151.60, 3 रुपये का प्रॉफिट तो हमें नहीं मिला है। हमने यहाँ बाय करा, इसके हाई पे हमने सेल कराया, लेकिन हमें 1 रुपये का एक अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है। हम उस 1 रुपये के प्रॉफिट को यहाँ लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए क्रॉसओवर 40 से नीचे हुआ। आप यहाँ पर बाइंग करेंगे, इसके हाई ब्रेक होते ही बाइंग करेंगे। इसका हाई था 151.20, लो था 150, मतलब 70 पैसे का गैप है, 1.5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। देखते आता है नहीं आता, एग्जैक्टली 1.5 रुपये का प्रॉफिट हमें आ गया है तो हम 1.5 रुपये का प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्रॉसओवर हमें यहाँ पर भी मिला था, लेकिन एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, 2 ट्रेड नहीं करने, हम पहला ट्रेड कर चुके हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर मिला है, यहाँ पर क्रॉस कराया और 40 से नीचे क्रॉस कराया, नीचे से क्रॉस कराया। अब इसके हाई पे हम परचेज करेंगे, इसका हाई 150.15, लो यानी तकरीबन 60 पैसे का गैप है। 60 पैसे के गैप के लिए हमें 1.2 का हमें वो चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो हमें इजीली हमें यहाँ क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पर पूरा दिन स्टॉक बढ़ता ही रहा और हम अच्छे खासे मुनाफे के साथ 1.2 का प्रॉफिट लेकर बाहर आते हैं। चलिए ठीक है, 11 तारीख आ गई है, यहाँ पर क्रॉसओवर मिल तो रही है लेकिन ये 40 से नीचे नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमें एक क्रॉसओवर मिला है, यहाँ पर हमें क्रॉसओवर मिला है, इसका हाई कितना है, इसका हाई 156.65, लो ज़्यादा गैप नहीं है, गैप है तकरीबन 65-75 पैसे का, यानी 1.5 रुपये का हमें मुनाफा चाहिए। 1.5 रुपये का तो नहीं, हमें 4-5 रुपये का भी मुनाफा मिल जाता, लेकिन हमारा टारगेट ही 1.5 रुपये का था। 1:2 का आपको टारगेट रखना, अगर 1 रुपये का आप अपना रिस्क लेके चल रहे हैं तो 2 रुपये का आपको मुनाफा चाहिए इसके अंदर, तो आप इजीली यहां पर भी 1.5 रुपये का प्रॉफिट आ गया। आपने 4 ट्रेड करे 15 दिन के अंदर और हमारे चारों ट्रेड सक्सेसफुल हो गए। 15 दिन का देख लेते हैं भैया क्या रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रुपये 20 पैसे का आपने प्रॉफिट लिया। अगर आपके डीमैट में 20,000 रुपये भी होते, 15,000 ही मान लेते, चलो 15,000 होते, तो भी आप इसके 1,000 शेयर खरीद सकते थे। और 1,000 शेयर खरीदने का मतलब है ये आपको सीधा सीधा 5,200 रुपये का मार्जिन आ जाता है यहाँ पर 15 दिन के अंदर, यानी आपने अपने पैसों का आप 2 महीने में भी डबल कर सकते थे इंट्राडे के अंदर अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप काम करते हैं। एक मेरी एडवाइस आपसे है, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, मेरी बताई हुई, या आप अपनी ही किसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेटजी पर लगे रहिएगा। अगर वो स्ट्रेटजी आपके 60-70% भी एक्यूरेसी देती है, 70% भी अगर एक्यूरेसी दे रही है आपको, तो उस स्ट्रेटजी के साथ बने रहिए। क्या होता है कई बार हमें जो गलत ट्रेड है वो पहले मिल जाते हैं और सही ट्रेड बाद में आने वाले होते हैं, तो वो गलत ट्रेड के बाद ही हम बाहर हो जाते हैं, हम उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा होमवर्क करिए कि स्ट्रेटजी इस स्टॉक पर काम कर रही थी या नहीं कर रही थी। अगर कर रही थी तो वो आगे भी काम, ऑब्वियसली बात है, चांसेस रहेंगे कि वो करेगी, तो आप उस स्ट्रेटजी पर बने रहिएगा। क्योंकि पहले प्रॉफिट मिल गया तो वेल एंड गुड है, बाई चांस पहले प्रॉफिट नहीं, पहले लॉस मिल गया, तो हम क्या करते हैं, 2 ट्रेड करते हैं, 3 ट्रेड करते हैं, 4 ट्रेड करते हैं, लॉस हो गया, अब भाई दोबारा नहीं करना, तो ऐसा आप मत करिएगा। चलिए अगली बार मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू।